बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम असलकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड सो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि हम सब जो है वो चैप्टर नंबर टू बायो का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम बायो मोलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे थे हमने प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स को अब आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने बोले दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड डी एन एंड आर एन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर छोटे छोटे बहुत समझने वाले पॉइंट्स हैं लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड हैं इसमें बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉमेशन जो है वो अब हम देखेंगे लाइक न्यूक्लिक एसिड जिस तरह डी एन एन आर एन ए की बात की हम देखेंगे जिस तरह अगर आप सब ने सुना होगा बहुत ज़्यादा अगर आपने सुना होगा डी एन ए का आर एन ए का जेनेटिक प्रोग्राम का Uh, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन का uh, ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन है सेंट्रल डोगमा है जीन एक्सप्रेशन है तो ये सारे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपने सुनी होगी इसको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे सो so, आज जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो हम डी एन ए आर एल ए के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स को आज हम जिस तरह हम उसकी डिस्कवरी हम देखेंगे हम उसकी अक्रेंस की बात करेंगे हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और हम कुछ उसके जो है वो मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर सो so, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1869 69 में जो एफ़ माइस्टर थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आ, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने लिए थे पस सेल्स उसमें उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट उसमें उनको एक वाइटिश मटेरियल मिला था जिसका नाम क्योंकि वो उनको न्यूक्लियस से मिला था तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया ठीक है उसके बाद जब फर्दर स्टडी की उन्होंने देखा उसकी पीएच को जब उन्होंने देखा तो वो लेसन सेवन थी और लेसन सेवन आप सबको पता है स्टूडेंट्स के वो एसिड की होती है सो तो उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड का और जो फर्दर आप फिर आगे स्टडी करते गए तो उसके बाद फिर उनको पता चला कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं डी एन ए हैं आर एन ए जैसे कि डी एन ए को हम कहते हैं कि डी ऑक्सि न्यूक्लिक एसिड है एंड आर एन ए रबो न्यूक्लिक एसिड है ठीक है अब ये डी ऑक्सी और वो राइबो न्यूक्लिक एसिड और वो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है ये फिर फर्दर अब हम आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों है उसको डी ऑक्सी क्यों नाम दिया गया ठीक उसके बाद दो टाइप्स की होते हैं डी एन एंड आर एन ए उसके बाद अगर हम इसकी अक्रंस की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बाद अगर हम डी एन ए की बात करें तो डी एन ए जो है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होता है क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि सेल डिवीजन के साथ दौरान बिल्कुल क्लियर होकर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसके ऊपर जो है ये डीएनए प्रेजेंट होता है ठीक है तो फोर्टी परसेंट डी उसके अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन सिक्सटी परसेंट उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है जो कि उसका एक दूसरा क्रोमोसोम का कंपोनेंट है हिस्टोन प्रोटीन वो 60 परसेंट होती है आपका डीएनए 40 परसेंट होता है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गेली है जो किसी को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं तो उसका एक अपना उसका अपना डीएनए होता है ठीक है इसी तरह जो हम जिसके बारे में कहा जाता है कि सिम्बियोटिक ऑर्गेनैली का ओरिजिन है ये और इसी तरह अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गनेली है तो उसका भी अपना डीएनए मौजूद होता है तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है जिस तरह माइटोकॉन्ड्रो के बारे में कहा जाता है कि सिम्बियोटिक ऑर्ग्नैली का ऑरिजन है वो तो सबसे पहले हमने कहा कि क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है डीएनए उसके बाद हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रो के अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है ठीक है आ, उनका अपना डीएनए जो है वो मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनल्स में अपना कुछ ना कुछ डीएनए का पार्ट जो है वो मौजूद होता है अच्छा अब अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम आर एन ए की बात करें कि आर एन ए कहाँ मौजूद होता है तो डेफिनेट बात है कि आपने हमने सब ने पढ़ा हुआ है कि डी एन ए से आर एन ए है ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद फिर फर्दर ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनती है तो जहाँ पर डी एन ए मौजूद है तो डेफिनेट बात है कि जहाँ पर डी एन ए मौजूद है वहाँ पर आर एन ए मौजूद होगा ठीक है अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर या हम न्यूक्लियस के अंदर बहुत डार्क एक गड़ा एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं तो वहाँ पर भी आर एन ए प्रजेंट होता है न्यूक्लियोलस मीन्स के न्यूक्लियस विद न्यूकलिस न्यूक्लियस के अंदर अपना एक न्यूक्लियस है तो जिसके अंदर जो डार्क एरिया है तो वहाँ पर मौजूद होता है उसके बाद क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है तो डेफिनेट बात है वहाँ पर भी होगा इसके बाद माइक्रोकॉन्डियर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो डी एन ए से आर एन ए बनता है डेफ़िनेट बात वहाँ पर भी मौजूद होता इस होगा इसके बाद अगर हम बात करें राइबोसोम्स की ठीक है जो कि एक ग्रैन्युलर ऑर्गेनली है ठीक है ग्रैन्युलर ऑर्गेली जिसके अब आर एन ए जो है वो तीन टाइप्स का होता है राइबोसोमल है ट्रांसक्रिप्शन है आर एन ए है ठीक है तीन टाइप के आर एन ए मौजूद होते हैं तो वहाँ पर भी राइबोसोमल आर एन ए जो होता है राइबोसोम्स के अंदर भी ये आर एन ए होता है ठीक है जो कि फर्दर फिर राइबोसोमल प्रोटीन आर एन ए जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है तो ये सारी थी जहाँ पर डी एन ए आर एन ए मौजूद होते हैं उसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो आपका जो साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन है साइटोसोल वहां पर भी डीएनए मौजूद होता है ठीक है Uh, उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है तो क्या होता है पोलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अब पोलीमर क्या होता है कि कोई भी रिपीटिंग मोनोमर्स हैं जो कि मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लॉन्ग चेन्स बनाते हैं तो हम उसको पोलीमर कह देते हैं तो यहाँ पर आपका रिपीटिंग मोनोमर क्या है यहाँ पर आपका रिपीटिंग मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है जो कि रिपीट होने से एक चेन पोलीमर की बनती है अब न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली तीन टाइप के कम्पोनेंट से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है वो तीन तरह के कम्पोनेंट कौन कौन से हैं वो अब हम देख लेते हैं शुगर है शुगर यहाँ पर कौन सी यूज हो शुगर यहाँ पर पेंटोज शुगर यूज़ हो रही है उसके बाद नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन सी हैं एडिनिन है गोवानिन है साइटोसिन है थायमिन है एंड यूरोसिल है, है और उसके बाद थर्ड में होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है ये तीनों मिलकर आपका एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम देखें हम कहाँ पर अब यहाँ पर जो राइबोस शुगर आपको शो की गई एक पेंटोज शुगर है ठीक है राइबोस शुगर है या डी ऑक्सीराइबोज शुगर है अब यह क्या फ़र्क है अब अगर यहाँ पर राइबोस शुगर इट मीन कि यहाँ पर हम आर एन ए की बात कर रहे हैं अब फर्क कहाँ पर आता है ये जो कार्बन नंबर थ्री है पेंटोज शुगर में कार्बन नंबर थ्री के ऊपर अगर तो हम डीएनए की बात करेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद होगा यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तभी हमने उसको नाम दिया डी ऑक्सीराइबोज यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट है वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है अब यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है ऑक्सीजन मौजूद है इट इटम कि यहाँ पर हम आरएनए की बात करें और ये डी ऑक्सीराइबोज नहीं राइबोज शुगर है अगर डी ऑक्सीराइबो शुगर होगी इट इटमीन्स यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीजन डेफिशियंट है ठीक है बात समझ आ गई कि उसको डी ऑक्सीराइबोज क्यों डीएनए को कहते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता अच्छा अब और क्या होता है कार्बन नंबर थ्री के ऊपर हमने बात कर ली कि ये राइबोल या डी ऑक्सी रेबोल शुगर क्यों है उसके बाद कार्बन नंबर वन के ऊपर यहाँ पर आपका एक नाइट्रोजिनियस बेस प्रेजेंट होती है वो एडिनिन हो सकती है वो गोवनिन हो सकती है वो साइटोसिन थाइमिन हो सकती है तो यहाँ पर एडिनिन है प्रेजेंट है ठीक है ये कार्बन नंबर वन पर कार्बन नंबर वन पर आपकी नाइट्रोजिनस बेस होगी ठीक है उसके बाद कार्बन नंबर फोर के ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये पूरा मिलकर आपका एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है तो पोजीशन हमने कंपोनेंट्स की बात कर ली कि पोजीशन कहाँ कहाँ पे कार्बन नंबर फोर पर आपका फॉस्फेट है कार्बन नंबर वन पर आपका नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है तो ये पूरा आपका ठीक है उसके बाद हम अच्छा यहाँ पर अगर हमने अभी हमने पेंटोल शुगर की बात की तो पेंटोज शुगर जो है वो दो तरह की होती है राइबोज एंड डी ऑक्सी जैसे अभी हमने बात की है कि यहाँ पे जो पेंटोज शुगर यूज़ हो रही है वो दो तरह की होती है डीएनए में डीऑक्सी राइबोस एन आर एन ए में राइबोस शुगर के तौर पर काम करती है ठीक है पोजीशन की भी हमने बात में उसके बाद हम फॉस्फोरिक एसिड और प्योरिन एंड पायरेमिडीन क्या चीज होती है ये अब हम देख लेते हैं प्योरिन या पायरेमिडीन कौन सी होती है प्योरिन में क्या होता है एडिन गवानिन होती है पायरेमिडीन में थायमिन साइटोसिन यूरासिल होती है यहाँ पर अच्छा फर्क क्या होता है कि आपकी प्योरिन रिंग दो तरह की रिंग बनाती है हेक्सागोनल एंड सेकेंड वन पेंटागोनल ठीक है लेकिन पैरामेडीन में सिर्फ एक पेंटागोनल यानी एक ही रिंग मौजूद होती है तो ये फ़र्क होता है प्योरिन एंड पायरेमिडीन में अब होता क्या है कि एडिनिन थायरेमिन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है एक प्योरिन दूसरे पायरेमिडीन के साथ और ये फिर ये वाली प्योरिन दूसरे पायरेमिडीन के साथ मिलकर बॉन्डिंग करती और ये जो डॉटेड लाइंस है ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर ठीक है प्योरिन में एडिनिन गवानिन है दो डबल रिंग बना रहे हैं एक पेंटागोनल है और एक हेक्सागोनल है थामिन और जो साइटोसिन है वो एक सिंगल रिंग बनाते हैं अब क्या होता है एक प्योरिन और एक पायरेमिडिन मिलकर जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रही है जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं ठीक है उसके बाद अब हमने फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करने कि फॉस्फोरिक एसिड क्या चीज़ है फॉस्फोरिक एसिड का सबको पता है H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है P जो है वो चार बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है फिर यहाँ पर बॉन्ड है उसके बाद तीन इसके बाद हाइड्रोजन अटैच होते है एच थ्री पी ओ फोर बन जाता है अब क्या होता है जब फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है ये हाइड्रोजन तीनों रिप्लेस हो जाते हैं और यहाँ से बॉन्ड फ्री हो जाते हैं जो जाकर वहाँ पर कार्बन नंबर फोर के ऊपर अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में ठीक है अब पोजिशन की बात करें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ होती है न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि आपकी जो है वो पेंटोज शुगर और आपका जो नाइट्रोजिनस बेस है वो दोनों कंबाइन करती हैं तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और जब इसके अंदर एक थर्ड चीज़ आ जाती है फॉस्फेट ग्रुप तो वो मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में भी हमने बात की थी थ्री कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता सो so, न्यूक्लियोटाइड एक बड़ा कंपोनेंट है और न्यूक्लियोसाइड जो है वो एक छोटा कंपोनेंट है ठीक है डिफरेंस इसमें पता चल गया कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ आपके पेंटो शुगर के साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस होती है लेकिन जब उसके साथ हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं वो न्यूक्लियोसाइड की बजाय न्यूक्लियोटाइड बन जाता है एक बड़ा कंपोनेंट बन जाता है अच्छा अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये भी न्यूक्लियोटाइड ही की एग्जाम्पल है एटीपी की एग्जाम्पल अब हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे एकबोज यानी पेंटोज शुगर है यहाँ राइबोस शुगर इट मीन्स की आर रहने वाली शुगर है यहाँ पर साथ में एडीनिन है एक आपके साथ अटैच है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है उसके बाद आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ठीक है तो एडिनिन और राइबोस को हम एडीनोसिन कहेंगे ठीक है एटीपी की बात करें एडीनोसिन ठीक है एडिनिन राइबोज है तो हम इसको एडीनोसिन कहेंगे अगर एक फॉस्फेट अटैच होगा तो एडीनोसिन मोनोफॉसफेट दो होंगे तो डाई फॉस्फेट और थ्री होंगे ड्राई फॉस्फेट यानी ए जिसको हम कहते हैं ए यानी ट्राई फॉस्फेट है फिर उसके बाद ए है मोनोफॉस्फेट और डी यानी डाई डाईफॉस्फेट है ए एम पी ए डी पी ए टी पी तो ये सारे जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं सारे न्यूक्लियोटाइड ही आपका एटीपी और जब टूटता है तो आपकी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है ठीक है बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी समथिंग मिलती है एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी को अब यहाँ पर जो साइन शो के टिल्डी साइन होता है ये वाला ये टिल्डी साइन है जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होता है यही बॉन्ड टूटता है तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो याद रखना ये टिल डी साइन है जो यहाँ पे शो किया गया मद्दा की फॉर्म है टिल्डी साइन है हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं और टूटने पे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोज एक फॉस्फेट ग्रुप से एक ये बॉन्ड टूटने से आपको बॉडी को एनर्जी मिल रही होती है तो ये सारा आज हम डी और आर के हमने कुछ बेसिक्स नॉलेज को देखा है ठीक है उसके बाद फर्दर इसके बारे में जो एक्सप्लेन में हम देखेंगे वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ठीक है तो ये कुछ बेसिक्स थी जो आज हमने डिस्कस की उसकी उसके अक्रेंस के स्ट्रक्चर है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है ठीक है तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और इस चैप्टर का कोई भी कोई भी अगर आपके पास टॉपिक मिस हुआ तो आई बटन में लिंक मौजूद होते हैं आप देख लिया करें वहाँ से एंड अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आ, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके थैंक यू अल्लाह हाफिज़